आज हम पढ़ेंगे एडवांस फिल्टर के बारे में, ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है आपके लिए, डेटाबेस पे आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी करोगे, तो उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये एडवांस फिल्टर लगाना, ठीक है। एडवांस में फिल्टर कैसे लगाते हैं, आज हम इसका यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एक सीट है सैलरी सीट वाली, जिसमें नेम है, डिपार्ट है, ग्रेड है, सैलरी है, और इसमें आपके डिपार्ट है सारे, ग्रेड है, सैलरी है, और आपके वर्कर्स नेम है, ठीक है। सबसे पहले एडवांस फिल्टर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले हेडिंग जो है हमारी होती है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे ही आप कंट्रोल सी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपका जो रेंज है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहोगे वहाँ पे क्लिक कर देना, और कंट्रोल भी से आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा कलर हटा के दिखाता हूँ, पहले होम से थोड़ा, अगर आपको यहाँ पे कलर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे नो फिल करता हूँ और इसको बोल्ड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा, यहाँ पे साइज मैंने बड़ा कर लिया है और इस तरह से आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ का आपको चाहे डिपार्ट देखना हो चाहे देखना हो, तो आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ को यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे फैकल्टी है, ग्रेड है आपके पास, तो हम यहाँ पे ग्रेड लेना चाहते हैं। हमने यहाँ पे प्रेस किया ए, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा, और यहाँ से कलर कर लेता हूँ इस पर। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इस पर कलर कर लिया और साइज पे यहाँ पे बढ़ा दिया इसका, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखो ए लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर के लिए यहाँ पे डाटा का ऑप्शन है, आपको दिखेगा ऊपर सबसे ऊपर डाटा, आपको हाँ डाटा पे क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम एडवांस फिल्टर का यूज़ करेंगे, तो डाटा पे क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखेगा एडवांस, ठीक है। ये एडवांस का यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवांस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एडवांस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स जो है हमारे पास ओपन होता है, मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे भी रख सकता हूँ, ठीक है। आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, आपको इस पर कुछ नहीं करना है, आपको क्लिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा लिस्ट रेंज, आपकी लिस्ट रेंज क्या है, आपको इस पर क्लिक करना है, और ये जो आपके पास पूरी लिस्ट है डेटा की, इसको क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो लिस्ट रेंज है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये पूछता है करेक्ट एरिया, करेक्ट एरिया के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और करेक्ट एरिया में हमारा ये चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे कॉपी किए हुए हैं, ठीक है। ये हमने दो ही सेलेक्ट किए हैं तो हमारा करेक्ट एरिया भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद एक ऑप्शन और बचा है कॉपी टू, कहाँ पर हम इसको दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर भी हम इसको दिखाना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर दो। मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपका जो है ग्रेड ए वाले डेटा यहाँ पे एडमिन वाले यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप इनको दे सकते हो। तो यहाँ पे हम इस तरह से डेटा का यूज़ करते हैं, और ये एडवांस डेटा है और बहुत इम्पोर्टेंट है।